हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम वो हैं जो कभी किसी से नहीं डरे, हम वो हैं जो पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मार गया, हम वो हैं जो चीन को आंखें दिखाकर डरा देते हैं, हम वो हैं जिसकी दहाड़ शहरों से लेकर सरहदों तक जाती है। लेकिन हम ऐसे भी हैं कि अपने ही देश में रहने वाले, देश की कानून व्यवस्था को तार तार करने वाले गुंडे बदमाशों पर अंकुश नहीं लगा पाते। हम ऐसे भी हैं कि कई कई कत्ल होने के बावजूद भी हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। हम कभी कभी सही होकर भी गलत हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज मैं आपको बाबा सिद्दीकी के कत्ल से लेकर बिश्नोई के जेल के खेल और पप्पू यादव की धमकी से लेकर सियासत के फिरते जालों के बारे में बताऊंगा। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा यह आपको समझाऊंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजीत पवार की पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी के शव को कल शाम राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया। बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा से पहले उनके आवास के बाहर नमाज जनाजा पड़ी गई। अंतिम दर्शन में इतने लोग पहुंचे कि सड़कें जाम हो गई, लेकिन इस मंजर ने पूरे देश का दिल बैठा, आंखों में आंसू ला दिए। और यह मंजर वो था जब बाबा सिद्दीकी को दफनाया जा रहा था और उनका बेटा जीशान सिद्दीकी कब्र के पास खड़ा होकर रो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि इसकी नौबत कैसे आ गई? क्या बिश्नोई इतना ताकतवर हो गया कि जेल में बैठकर ही पूरा गैंग चला रहा है? यह बड़ा सवाल है। इस मामले में पुणे से दो लोगों को, शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि प्रवीण लोनकर ने अपने भाई शुभम लोनकर के साथ मिलकर साजिश रची थी। प्रवीण लोनकर ने ही धर्मराज कश्यप और शिवकुमार गौतम को इस साजिश में शामिल होने के लिए बुलाया था। धर्मराज कश्यप और गुरमैल सिंह पुलिस हिरासत में है। तीसरा लड़का शिवकुमार फरार है और चौथा लड़का मोहम्मद जीशान अख्तर के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन तीनों को गाइड कर रहा था, इनकी मदद कर रहा था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी ली जाती है और साथ ही साथ सलमान खान को सीधे तौर पर दुश्मनी करने और उसका खामियाजा भुगतने की बात कही जाती है। क्या लिखा था सोशल मीडिया पोस्ट में? ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूं, जिस्म और धन को धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बन रहे हैं, एक टाइम पे दाऊद के साथ मकोका में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा अपना हिसाब किताब लगा कर रखना। किसी को कोई मरवाएगा तो प्रतिक्रिया हम जरूर देंगे, हम पहले वार नहीं करते, हम बाद में वार करते हैं। एक तरफ ये सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ और दूसरी तरफ पुलिस तफ्तीश में जुट गई। एक नाम सलमान खान का आया, दूसरा नाम बाबा सिद्दीकी का आया और तीसरा नाम सियासत इसमें कूद गई। सियासत कैसे कूदी ये इनसाइड स्टोरी में जरूर बताऊंगा, लेकिन जरा सलमान खान के बारे में पहले थोड़ा सुन लीजिए। सलमान खान को इस वक्त अपनी जान का खतरा बनाया है। सलमान खान इस वक्त पुलिस को चुनौती देते हुए सलमान खान के सामने बिश्नोई गैंग के लोग नजर आ रहे हैं। सलमान खान की हिफाजत ये पुलिस वाले कैसे करेंगे? जो बाबा सिद्दीकी जिनको Y+Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, सिक्योरिटी दी गई थी, जब उनको नहीं बचा पाए तो सलमान की सुरक्षा कैसे होगी? कई सवाल सोशल मीडिया पर ये भी ट्रेंड कर रहे हैं। अब सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड कनेक्शन हमेशा चर्चा में रहता था। सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त जैसे हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता बाबा सिद्दीकी के करीबी थे। राजनीतिक क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे नेता की हत्या से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यह सवाल सिर्फ बाबा सिद्दीकी की हत्या से ही सामने नहीं आया,
बल्कि पिछले 8-10 महीनों में अपराधों की घटनाओं को देखते हुए विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने भी तीखे सवाल उठाए हैं और सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की है। सलमान खान पर इससे पहले हमला हो चुका है, सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सुनने में आ रहा है कि सलमान खान ने बिग बॉस की शूटिंग भी अब रोक। इधर तो सलमान खान को खतरा है, उधर अब सियासत भी खूब हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुली चुनौती दी और कहते हैं एक पोस्ट के माध्यम से साफ तौर पर कहते हैं कि यह देश हिजड़ों का देश है, अपराधी जेल में बैठे चुनौती लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला कभी कर्मी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यह बयान पप्पू यादव का आया, एक्स के माध्यम से उन्होंने ये बात अपने लिखी और इस बात के लिखने के बाद में सियासत फिर से तेज। इस बयान के फौरन बाद बीजेपी नेता और पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने पप्पू यादव के एक्स पोस्ट को कोट करते हुए हमला बोला। उन्होंने लिखा, यह कोई सांसद की शरीफ भाषा है क्या? ऐसा लगता है कि कोई सड़क छाप लफुआ ट्वीट कर रहा है। कभी पप्पू यादव का अकाउंट किसी ने हैक नहीं तो कर लिया? उन्होंने ये सवाल उठाया। निखिल आनंद ने आगे लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई जो आज चर्चा में आया है, लेकिन दाऊद इब्राहिम का आतंक तो भारत में 90 के दशक। पप्पू यादव ने कभी दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को पूरी तरह खत्म करने का दावा पिछले 30-35 सालों में क्यों नहीं किया? लॉरेंस और उसके गैंग को खत्म करने का दम भरने से पहले पब्लिकली घोषणा करो कि दाऊद इब्राहिम गैंग को पूरी तरह से नस्तोनाबूद करोगे। लॉरेंस बिश्नोई पर बयान देकर राजनीति चमका रहे हैं पप्पू यादव, और दाऊद इब्राहिम पर बयान देने में आपकी राजनीति की क्या भद बन जाएगी। यह बयान बीजेपी नेता का है। अब ये हमारे नेता हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, दोनों ही नेताओं की बात यहां पर हो रही। सवाल यह है कि एक तरफ तो पप्पू यादव कहते हैं कि कानून इजाजत दे दे, अब कानून इजाजत क्यों देगा? जो कानून कानून के दायरे में काम करने को कहता है, संविधान से छेड़छाड़ न करने के लिए कहता है, वो इजाजत आपको कैसे दे देगा? समझ में आता है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल इसमें कोई उनका एक तरह से प्रॉफिट नजर आता हो। लेकिन अब इसके जवाब देने की जरूरत क्या है? बीजेपी नेता ने पप्पू यादव का जवाब तो दिया, लेकिन हमारे नेता आपस में ही लड़ लड़कर मुद्दों के समाधानों को कहीं भूल गए और यही नौबत आज आ गई है। आज बाबा सिद्दीकी, कर्मी सेना, उससे पहले कोई और, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जेल में बैठकर ताकतवर बनते जा रहे हैं और नेता आपस में लड़ लड़के देश के कानून व्यवस्था को कमजोर करते नजर आ रहे हैं। अगर ये विपक्ष और पक्ष दोनों साथ मिलकर इसके समाधान निकालें तो ऐसे कोई मुश्किलात नहीं जिसका समाधान नहीं निकल सकता। लेकिन बाबा सिद्दीकी हो, सलमान खान हो, लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई और हो, सियासत अगर उसमें नहीं आए तो फिर इनकी रोटी हजम नहीं। हिंदुस्तान अगर आज पीछे है तो सियासत की वजह से पीछे है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आज अपराध इतने बढ़ गए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए, तो शायद कहीं ना कहीं सियासत इसके पीछे जरूर है। बाबा सिद्दीकी का कत्ल, पप्पू यादव का चैलेंज, सलमान खान की जान को खतरा, इन तमाम बातों में एक चीज कॉमन निकल कर आती है, सियासत जरूर हो। लेकिन इनसाइड स्टोरी में दो सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस सलमान खान को बचा पाएगी, उनकी सुरक्षा कर पाएगी, उनको ऐसे अटैक ऐसे हमलों से सेव कर पाएगी? दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के अंदर नेता आपसी लड़ाई को छोड़कर समाधान निकालने पर बात क्यों नहीं करते हैं? तनाव की स्थिति हो, प्यार की स्थिति हो, त्योहार की स्थिति हो,
तमाम स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सियासत क्यों होती है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा और हमें भी पता लगे कि आखिर आप क्या सोचते हैं देश की राजनीति के बारे में। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।